किचन में आपका स्वागत है। आज की मेरी रेसिपी है सूजी के अप्पे। ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है, बिना कम तेल में बहुत हेल्दी नाश्ता बनता है। इसके लिए मैं ली हूँ 1.5 कप सूजी, ये वजन के हिसाब से 250 ग्राम है, और ये 1 कप दही है, वजन के हिसाब से 200 से कुछ लगभग बेसी है। 2 मीडियम साइज के प्याज है, इसको मैंने बारीक काट लिया है। 1 शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 1 गाजर है मीडियम साइज का, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। 2 चम्मच हरे मटर है, ये फ्रोजन मटर है, और थोड़े से ये काली मिर्च पाउडर डालूंगी और थोड़े से बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले हम इसको दही को सूजी में डालते हैं। इसको सूजी को दही मिलाते हैं आपस में। ये सुबह के नाश्ता में बहुत अच्छा लगता है खाने में, और इसके साथ बादाम की चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है। जब भी बनाए बादाम की चटनी जरूर बनाए। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, मैंने 1 कप पानी लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं। अभी थोड़ा सा और लगेगा। सूजी को 20 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, तब तक ये सूजी थोड़ा और गाढ़ा होगा, इसलिए थोड़ा पानी और लगेगा इसमें, क्योंकि सूजी सोखता है, पानी सोखता है। अब इसे मैं 20 से 25 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। बादाम की चटनी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है गैस पे, और इसमें मैं 1 कप से कुछ कम मूंगफली भूनूंगी। इसको ड्राई रोस्ट ही करना है। बादाम हो गया है, देखिए पूरा लाल हो गया है बादाम, उसका फट भी गया है बीच में से। ये सब कर दिए, और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो अप्पे के साथ धनिया पत्ते का चटनी भी बना सकते हैं। अब बादाम से थोड़ा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसमें से छिलका निकाल लीजिए, इसका छिलका अलग कर लीजिए, उसके बाद इसको पीसेंगे थोड़ा ठंडा होने के बाद। आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ते का चटनी भी बना सकते हैं। मैं ज्यादा अप्पे के साथ बादाम की चटनी पसंद करती हूँ, इसलिए मैं बादाम की चटनी बना रही हूँ। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम सूजी, हमारा सूजी फूल चुका है, इसको फिर दोबारा मिक्स कर लेते हैं। देखिए गाढ़ा हो गया है, इसमें थोड़ा सा पानी और लगेगा। क्योंकि सब्जी डालने पर ये और गाढ़ा हो जाता है, इसलिए थोड़ा पतला ही रखिए। बादाम को भी हमने छील लिया है, अब इसको पीसेंगे। देखिए ऐसा ही रहेगा हमारा अप्पे का घोल। अब इसमें हम सब सब्जी डाल देंगे। मटर डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। आधा चम्मच इसमें
काली मिर्च पाउडर डालेंगे। देखिए आधा चम्मच है। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, ये चुटकी भर बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। अब बेकिंग पाउडर अगर नहीं है तो खाने वाला सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। बस इतना से डालेंगे। देखिए बेकिंग पाउडर डालने से अपे फ्लफी बनता है, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें नमक पड़ेगा, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार दीजिए। अब एक अपे मेकर, इसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया। अगर आपको अपे मेकर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इसकी लिंक डाल दूंगी। अपे मेकर गर्म हो गया है, अब इसमें हल्का सा रिफाइन लगाएंगे। ये बहुत कम तेल में बनने वाला स्वादिष्ट नाश्ता है। देखिए सिर्फ ब्रश की सहायता से सिर्फ लगा रहे हैं, तेल एकदम नहीं है इसमें। अब हम इसमें तो आधा आधा भरते हैं, क्योंकि फूल जाता है ये। देखिए मैंने सब में डाल दिया है, अब इसे ढक देंगे और इसको धीमी आंच पे ही पकाएंगे। और जब तक ये बनता है तब तक हम बादाम की चटनी पीस लेते हैं। मूंगफली को हमने जार में डाल दिया है, इसमें दो हरी मिर्च और तीन लहसुन की कलियां डाल रहे हैं। अब इसे हल्का सा आध एक चम्मच पानी डाल करके पीसेंगे। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक करते हैं। देखिए ये हाँ, ये हो चुका है एक तरफ। अब इसको पलट देंगे, इसमें तेल अभी तेल डालने की जरूरत नहीं है। अब एक तरफ पक गया, एक तरफ और पकेगा तो निकाल लेंगे। इसे फिर ढक देते हैं, अब दो से तीन मिनट के बाद चेक करेंगे। मूंगफली को हमने पीस दिया है, अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, हमारा अपे भी पक चुका है। देखिए एक बार हम पलट चुके थे, अब इसको निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकल जाता है अपने आराम से। एक बार ऐसे उलट लीजिए, सब निकल गया। देखिए
कितना कम तेल में बना हुआ नाश्ता है। और आप ही बनाते हैं? थोड़ा फैल गया है, इसको हम अलग अलग कर ले रहे हैं। इसको 2 मिनट के लिए फिर हम ढक के पकाएंगे। जब तक ये पकता है तब तक हम छौंक लगा देते हैं, छौंका लगा देते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून रिफाइंड डालेंगे। तेल गर्म होने पर इसमें 1/2 चम्मच हम सरसों डालेंगे, सरसों चाहे राई। और 6 से 7 पत्ते करी पत्ते के डालेंगे। अब इसे हम चटनी में डाल देंगे और चटनी मिक्स कर लेंगे। चटनी तैयार है। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम पलट लेते हैं। देखिए पक गया है नीचे। बीच वाला थोड़ा ज्यादा लाल हो गया है, तो आप कढ़ाई को भी आप एक जगह से दूसरी जगह घुमा सकती हैं। बीच वाला में थोड़ा तेज आंच मिलता है, इसलिए ऐसा लाल रंग का हो गया है। और फिर इसको ढक करके 2 मिनट पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारा पेपर बन चुका है। अब गैस ऑफ कर देते हैं और इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बस इसी तरह हम बाकी सारे आपे भी बना लेंगे। अप्पे और बादाम की चटनी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।